हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है अपना प्यारी दुनिया में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। गाइस, चलिए फिर आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है गांधी जयंती, सो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी बच्चों के पेपर चले हैं, थोड़ी छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, तो मुझे रेस्ट मिल जाता है। मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, लग रहा है कि थोड़ा सा फिट हो लूँ। पर क्या है, सितंबर का लास्ट महीना हो गया और लेकिन अभी गर्मी थोड़ी सी रहती है, ठंडा नहीं है ज़्यादा मौसम। मॉर्निंग गाइस, आज है गांधी जयंती। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, ये डॉग है ना, तो बच्चे देने वाली है, इस वजह से ना थोड़ा शरीर में सुस्ती रहती है। तो देखो, आराम से सुबह सुबह की धूप ले रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ किचन में खाना, तो चावल मेरे पकने वाले हैं, इसमें सब्जी पक रही है, आटा गूंद के रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट कर लेगा, इसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो आज गांधी जयंती थी तो हमारे बगल में मतलब खीर बांट रहे थे, तो मैं लेके आ गई और मैं तो भाई रोक नहीं पाई, इतनी यम्मी दिख रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, तो मैंने तो आराम से खा लिया। और ये है ना प्लास्टिक की, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मेहंदी की, तो बार बार इसमें प्रैक्टिस करके फिर ये सूख जाती है, फिर इसको हम छुटा देती हूँ साफ़ करने के बाद, फिर दोबारा मतलब करते हैं। तो मैंने मेहंदी 1-2 घंटे पहले मतलब भिगो के रखी थी, तो अच्छे से फेंट के, और गुलशन मेरी हेल्प कर देता है, उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं फिर भी वो मेरी हेल्प कर देता है। तो ये देखो, कौन भी बना लिए, मेहंदी भी मुझे भर के देता है मतलब, और मैं गांठ लगा के बढ़िया से कौन बना के रख दूँगी, जब भी मतलब हम लोगों को टाइम मिलता है बीच बीच में, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखो, मैं बेड का मतलब बेड शीट चेंज कर रही हूँ, बेड हमारा इतना ख़राब हो रहा है कि मतलब बस चल रहा है, मतलब 2-4 दिन 10 दिन जितने दिन चल जाए, जब तक मुझे दूसरा बेड नहीं मिल जाता, जब तक नहीं लेके आती तब तक चला रहे हैं। बाकी ये देखो, बेड शीट भी मतलब ख़राब हो गई, अभी मतलब चला लेते हैं दिवाली की सफाई के बाद, फिर मैं मतलब नई चालू करूँगी। और आज गांधी जयंती है तो बच्चे मेरे कुछ ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही होगा, जो मेरे व्लॉग देखता होगा वो पता होगा कि मेरे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं त्यौहारों में जो भी आता है। जन्माष्टमी आपने देखा होगा कितनी अच्छी बांसुरी बनाई थी, तो ये देखो कितना प्यारा चश्मा बनाया है। और गाइस, शाम हो गई थी और ये देखो, मैं बैठ गई थी प्रैक्टिस के लिए, मतलब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो पूरा डिज़ाइन आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप लोग बताना कैसा लगा ये डिज़ाइन। A few moments later. और साथ में कर रहा है गुलशन भी प्रैक्टिस, मतलब पढ़ाई भी देखो साथ साथ करता है, साथ में प्रैक्टिस करता है मेहंदी की, देखो कितनी प्यारी डिजाइन बना। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया, जय माता दी। आज से हो गई मैया के दिन चालू। सो ये देखो, ताजे ताजे फूल मंगवाए हैं मैंने, माला। सो मैं कर लेती हूँ पूजा, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग मतलब स्टार्ट करते हैं। और अपना मंदिर ये देखो, इस तरीके से मैंने फूलों से सजा दिया। और ये आम के पत्ते ना बहुत शुभ माने जाते हैं, शुभ कार्यों में लगाए जाते हैं। सो ये देखो, कलावा से हस्बैंड ने ये बनाया है, तो मंदिर में लगाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप ही लगा देना, तो उन्होंने लगा दिए, बाहर गेट में भी लगा दिए हैं। तो हस्बैंड भी नहा धो के रेडी हुए हैं, तो वो भी कर लेते हैं पूजा। और बाहर तुलसी रखी है, तो वहीं पे मतलब अगरबत्ती लगा देते हैं। इसके बाद हस्बैंड हंस रहे थे, मतलब कि वो बहुत कम आते हैं वीडियो में, ये देखो यहाँ पे उनकी हंसी चालू हो गई थी, क्योंकि मैं ना शूट किए जा रही थी उन्हें, तो कह रहे हैं कि आप तो मेरे मतलब फ़ोन पीछे पीछे लेके जा रहे हो कैमरा, इसलिए हंसी उनकी छूट रही थी। मन का जब तक आओगे नहीं तो शर्म हटेगी नहीं। A few moments later. गाइस, तो हो गई है शाम, फिर मैं दिन में मतलब पूजा पाठ हम लोगों ने किया, फिर खाना पीना बनाया, फिर काम में बिजी हो गई। आज यस का पेपर था, मतलब मेरा टाइम ऐसे ही निकल गया, शाम के 5 बज रहे हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ, तो ये वीडियो मैं कल से शूट कर रही हूँ, पर थोड़ी थोड़ी पार्ट में ही कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कम्प्लीट हो गई होगी, तो ये वीडियो यहीं पर एंड कर देती हूँ, लंबी ना मतलब जाए और अभी छोटा ही व्लॉग रहे। सो अभी कुछ दिन बाद मतलब नया फ़ोन लेने वाली हूँ, तो और भी अच्छे व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, और भी अच्छा कुछ सोच के रखा है, तो
फिर मतलब आपको दिखाऊंगी, और जैसे भी नया चैनल भी खोलूंगी तो वो भी आपको बताऊंगी। सो ये वाला वीडियो यहीं पे गाइस एंड कर देते हैं। और ये था नवरात्रि का मतलब पहला दिन, और बहुत ही प्यारा गया। माता के दिन होते हैं मतलब अच्छे होते हैं। और एक बार फिर आपको सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।